हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, इंडियन कार मार्केट में इन दिनों एसयूवी सेगमेंट जो है वो काफी पॉपुलर है, और स्पेशली अगर बात करें उसमें भी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की मांग जो है वो काफी ज्यादा है। यही वजह है कि इन दिनों काफी सारे मोस्टली कार मैन्युफैक्चरर इस सेगमेंट में कुछ ना कुछ नए मॉडल्स को लाने की तैयारी कर रहे हैं। और वैसे भी इस जो सेगमेंट में है ऑलरेडी 10 कार्स अवेलेबल है, लेकिन आने वाले समय में भी आपको काफी सारे नए मॉडल्स इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिससे कि कंपनी की हिस्सेदारी अपने मार्केट में जो वॉल्यूम है उनको बढ़ा सके और साथ ही साथ अपनी सेल्स को भी बढ़ा सके। देखिए, इस लिस्ट में पहला नाम आता है जो कि अपने नए मॉडल को लाने वाली है, वो है सिट्रोएन कंपनी। देखिए, सिट्रोएन कंपनी अपनी जो गाड़ी को लाने वाली है वो उसका नाम होगा सिट्रोएन C3, जिसको ऑफिशियली तौर पर देखा जाए तो पिछले साल इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और इस कार को CMP आर्किटेक्चर द्वारा इसको बिल्ड किया गया है। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसमें आपको 3.898 मीटर की इसकी लेंथ है, जबकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो इसमें आपको 180 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर इसमें प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही साथ इसमें चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की प्लास्टिक क्लैडिंग और ओवरऑल लुक जो इसका डिजाइन की अगर बात करें तो ओवरऑल इसका जो लुक है वो काफी मस्कुलर दिखाई देता है। अगर बात करें इसमें मिलने वाले इंजन की, तो देखिए इसमें आपको एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और 7 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इसमें आपको एक 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी देखने को मिल सकता है। और जहां तक बात है इसके फाइनली इंडिया में लॉन्च होने की, तो देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि इसको इस साल के एंड तक या फिर 2023 के जनवरी में इसको इंडिया में फाइनली लॉन्च कर दिया जाएगा। टाटा पंच को देने के टक्कर देने के लिए इस सेगमेंट में आने वाली दूसरी गाड़ी की बात करें तो वो होगी हुंडई की तरफ से आने वाली एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, जिसको टाटा वेन्यू के नीचे पोजीशन किया जाएगा। और जो फिलहाल इसके अपकमिंग मॉडल का नाम, उसके कोड नेम की अगर बात करें तो उसका कोड नेम AI3 रखा गया है, जिसे कि फाइनली 2023 की स्टार्टिंग तक लॉन्च किया जाएगा। हालांकि अभी तक तो देखिए वैसे तो फिलहाल इसके बारे में कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये हुंडई की एंट्री लेवल हैचबैक सेंट्रो के साथ अपना आर्किटेक्चर जो है शेयर करेगी। और साथ ही साथ ये जो है काफ़ी पॉपुलर भी रह सकती है, क्योंकि टाटा पंच के साथ इसके कंपटीशन होगा। तो देखिए, आने वैसे तो कहा जा रहा है कि कुछ समय पहले की जैसे कि हुंडई की एक कैस्पर आने वाली थी, लेकिन अब उस कंपनी ने फाइनल कर दिया था कि वो कैस्पर जो है वो इंडिया में लॉन्च नहीं होगी। फिलहाल तो लॉन्च नहीं होगी, लेकिन आने वाले समय में उसे इंडिया में जरूर लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि वही सिर्फ एक ऐसी गाड़ी है जो कि हुंडई सेंट्रो के सेम प्लेटफॉर्म पर डिजाइन की गई है। देखिए दोस्तों, इस लिस्ट में आने वाली तीसरी कंपनी की बात करें जो कि इंडिया में अपनी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी गाड़ी लॉन्च करेगी, वो होगी किया कंपनी, जो कि अपने एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका कंपनी ने फिलहाल कोड नेम AY रखा है। और आपको बता दूं कि मैंने स्पेशली यहाँ पर इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी कहा है, जिसका जो पेट्रोल वर्जन है वो भी आने वाले समय में उसको लॉन्च किया जाएगा। आप देखिए, फिलहाल तो अगर इस गाड़ी की लॉन्च की बात करें तो अभी इसको ऐसा कुछ जल्दी लॉन्च नहीं किया जाने वाला। अगर इसकी वैसे तो एग्जैक्ट ईयर की बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी इस कार को इंडिया में 2025 तक के स्टार्टिंग में लॉन्च कर देगी। सो दोस्तों, ये थी वो तीन कंपनियां, या फिर कह लो तीन कारें जो कि टाटा पंच के कंपटीशन में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली हैं। सो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, शब खैर।